गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स पोर्शन। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th पेज नंबर 334 के ऊपर गिवन है। हाउ इज ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सर्किट के बीच दो पॉइंटा के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस नू मेजर करने के लिए जो वोल्ट मीटर होंदा किद्दां कनेक्टेड करते हैं। तो आंसर आएगा ए वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरलर अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। तो ऑलवेज माइंड में रखना है वोल्ट मीटर ऑलवेज सर्किट दे विच पैरलर अटैचड होता है। अगर एमीटर की गल करेंगे एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जो वोल्ट मीटर होता है मतलब बिटवीन टू पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा एंड जो एमीटर वगैरह होगा वो करंट मेजर करेगा भी कितना होल सर्किट के विच कितना करंट वगैरह फ्लो कर रहा है। तो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरलर अक्रॉस पॉइंट्स बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है भी ए कॉपर वायर हैज ए डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6×10⁻¹ ओम मीटर। एक आपके पास कॉपर की वायर जिसका डायमीटर गिवन है रेजिस्टिविटी गिवन है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। रेजिस्टेंस बनाने के लिए उस कॉपर वायर की लेंथ कितनी चाहिए। तो इन दिस केस आपने लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहते हाउ मच सेकंड पार्ट है डज इट्स रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। सेकंड पार्ट में अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो बताओ उस वायर के रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा या क्या चेंज होएगा ये अपने फाइंड आउट करना है। जो गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑन करेंगे। जैसे आपके पास डायमीटर वगैरह गिवन है जिसको स्मॉल डी के साथ लिख लेते हैं। डी की वैल्यू गिवन है 0.5 मिलीमीटर। 1 मिली की वैल्यू होती है 10⁻³। साथ आपके पास मीटर लगा लेंगे। नेक्स्ट रेजिस्टिविटी गिवन है आपके पास 1.6। रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो। 1.6×10⁻¹ 7 ओम मीटर। रेजिस्टेंस गिवन है आपके पास 10 ओम। इन दिस केस आपने लेंथ की वैल्यू निकालनी। तो लेंथ की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे भी आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड ए। और नेक्स्ट स्टेप में जो आपके पास एरिया है एरिया का पुट करेंगे आपके पास पाई आर का स्क्वेयर। तो जहां से आर का रिजल्ट आएगा आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड पाई आर का स्क्वेयर। तो जहां से आपने एल की वैल्यू निकालनी तो एल का रिजल्ट कितना आएगा एल इज इक्वल टू आर इंटू पाई आर का स्क्वेयर डिवाइड बाय रो। तो आपके पास आर की वैल्यू गिवन है रो की वैल्यू गिवन है पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देंगे रेडियस निकालना है। डायमीटर गिवन है रेडियस कैसे निकालेंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे डायमीटर का हाफ कर देंगे वो आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो कितना गिवन है 0.5 डिवाइड बाय 2×10⁻³। 0.5 डिवाइड 2 सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.25 × 10⁻³ मीटर। रेडियस आपके पास इतना आएगा। सभी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आएगा रेजिस्टेंस गिवन है 10 इंटू और पाई की वैल्यू गिवन है 22/7 इंटू आपके पास रेडियस अभी भी निकाला 0.25 × 10⁻³। और इसका क्या करना है स्केयर डिवाइड रेजिस्टिविटी गिवन है 1.6×10⁻¹। ध्यान में रखना जो यूनिट वगैरह होगा ना जैसे जे वाला आर का है ओम और रेजिस्टिविटी का है ओम मीटर जे कभी भी नहीं लिखना होता। तो आपके पास आएगा सबसे पहले मेथड जाइए इसको सॉल्व करने का मतलब सबसे पहले रीअरेंज करेंगे अगर स्केयर वगैरह क्यूब वगैरह है उसको रीअरेंज कर लेंगे और उसके बाद जो आपके पास पॉइंट है डेसिमल वगैरह उसको रिमूव करेंगे। तो इसको मैं लिखूंगा भी 10×22/7 इंटू और इसका मतलब स्केयर है इसको 2 times लिखेंगे 0.25×10⁻³ इंटू 0.25×10⁻³ और लोअर आपके पास कितना गिवन है 1.6×10⁻¹। तो सबसे पहले इसका जो डेसिमल इसको रिमूव करेंगे तो लोअर क्या कितना लगेगा 100। इसको भी हटाएंगे क्या लगेगा 100 और 1.6 है
और इसका जो 10 होगा अब चला जाएगा। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, 25 को कट ऑफ करेंगे 100 से, कितना आएगा 4, जहाँ से भी कितना आ जाएगा आपके पास 4। नेक्स्ट इसको राइट डाउन वगैरह कर लेते हैं, आपके पास अब कितना बनेगा 220 डिवाइड 7 जे वाला इंटू मतलब 4 इंटू 4 जे वाला कितना बन जाएगा आपके पास 16 इंटू आपके पास 16 और इंटू और जहां पर 10 की पावर माइनस 3 है, 10 की पावर माइनस 3 है, बेस बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो कितना बनेगा 10 की पावर माइनस 6 इंटू आपके पास जे वाला 10 है तो जहां पर लिखेंगे आपके पास 10 की पावर 1 इंटू और जो आपके पास 10 की पावर माइनस 8 लोअर था जे अब चला जाएगा, अब जाकर क्या बन जाएगा जे वाला प्लस 8 वगैरह बन जाएगा। जहाँ पर इसको भी कट ऑफ करके देख लेते हैं, अगर मैं 2 के टेबल पर कट कराऊंगा जहाँ पर कितना आएगा 110, जहाँ पर आपके पास आएगा 8 अगेन कट करेंगे जहाँ पर आएगा 4 अगेन कट करेंगे कितना आएगा 55। तो कितना बनेगा आपके पास भी 55 डिवाइड 7 4 इंटू 16 बन जाएगा 64 इंटू और जहाँ पर 10 की पावर प्लस 8 है जहाँ पर माइनस 6 है तो कितना बनेगा मतलब प्लस 8 माइनस 6 प्लस 1 तो जहाँ पर आपके पास आएगा 10 के पावर 3 रिजल्ट आ जाएगा। तो सिंपली अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा 0.12276 इंटू 10 की पावर 3। अगर इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा आपके पास रिजल्ट 122.76 मीटर लेंथ है तो मीटर आ जाएगा। तो जे वाला आपके पास क्या आएगा लेंथ का इजीली रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। अगर आप डायामीटर को डबल कर देंगे तो आपके पास प्रीवियस डायामीटर कितना था 0.5 मिलीमीटर, इसका डबल करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 2 इंटू 5 मतलब डिवाइड लिखेंगे 10 मिलीमीटर है 10 की पावर माइनस 3 साथ आपके पास आएगा मीटर तो कट ऑफ करेंगे 5 जी वाला 1 तो जहां पर कितना आएगा 10 की पावर माइनस 3 मीटर, दिस इज डायामीटर। अगर रेडियस निकालना है तो क्या करेंगे इसका मतलब डिवाइड 2 कर देंगे हाफ कर देंगे तो 10 की पावर माइनस 3 इंटू मीटर डिवाइड बाई 2, 1/2 को अलग से सॉल्व कर लो तो कितना आएगा आर का रिजल्ट 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। तो दिस इज आपके पास रेडियस का रिजल्ट है। तो आर का रिजल्ट कितना होगा, जो प्रीवियस आपने पुट किया था आर इज इक्वल टू रू एल डिवाइड ए, तो R की वैल्यू ही निकालनी है, रो की वैल्यू प्रीवियस पुट करें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8, लेंथ जो पहले निकाला था 122.76 डिवाइड आप इसको अलग से सॉल्व कर लेना, एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 3.14 इंटू रेडियस वगैरह कितना के बना आपने निकाला 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इसका क्या करना आपने स्केयर वगैरह करना, सभी को सॉल्व वगैरह करेंगे तो देन आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2.5 ओम आपके पास इजीली रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। थैंक यू।